बातें कर रहा हूं, ये सब कुछ राइट। अब देखिए, एक नया टॉपिक है जिसका नाम है एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसपीरेशन, यानी कि ट्रांसपीरेशन का क्या एडवांटेजेस है, ट्रांसपीरेशन का क्या फायदा है, उसी के बारे में बातें कर रहा हूं मैं राइट। तो लिखा हूं जी कि फ्लोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसपीरेशन, यानी कि ट्रांसपीरेशन का कुछ निम्नलिखित एडवांटेजेस है, समझ गया ना। तो चलिए जानते हैं कि ट्रांसपीरेशन का क्या क्या एडवांटेजेस है, इन्हीं सारी एडवांटेजेस के बारे में मैं आपसे चर्चा करता हूँ और मैं आपसे बातें करता हूँ राइट। तो सबसे पहला एडवांटेजेस बता रहा हूँ ट्रांसपीरेशन का, कि ट्रांसपीरेशन टू कैरी वाटर, यहाँ पे देखिए कुछ चीज छूट गया, दैट इज द हेल्प्स होगा, HELPS ठीक है। ट्रांसपीरेशन हेल्प्स टू कैरी वाटर ठीक है, फ्रॉम द रूट टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। देखिए ट्रांसपीरेशन अगर नहीं होगा तो पानी जो रूट सॉयल से रूट में जाता है और रूट से हर एक अंग अंग में रोम रोम में चला जाता है प्लांट्स के, तो वो ट्रांसपीरेशन के चलते ही होता है। अगर ट्रांसपीरेशन नहीं होगा तो फिर रूट से हर एक पार्ट्स में पानी नहीं जा पाएगा राइट। तो ये ट्रांसपीरेशन का बहुत बड़ा फायदा हुआ कि नहीं हुआ राइट। फिलहाल के लिए तो प्लांट्स के पास यही है ट्रांसपीरेशन ही प्रक्रिया, अगर ट्रांसपीरेशन नहीं होता तो शायद भगवान कुछ और मशीन सिस्टम आई मीन टू से बना करके भेजते पत्ते में, लेकिन अफसोस फिलहाल यही है, इसीलिए यही पढ़ा रहा हूँ राइट। चलिए दूसरा फायदा यह है कि इट हेल्प्स इन रिमूविंग एक्सेस वाटर। देखिए अगर पानी ज्यादा हो जाता है हमारे शरीर में, आपके बॉडी में, तो हम लोग जाते हैं टॉयलेट करते हैं पानी साफ राइट। लेकिन लेकिन प्लांट्स के बॉडी में वाटर ज्यादा हो गया तो वो कैसे करेंगे राइट, वो टॉयलेट जाएगा। कभी ऐसे देखा है भाई साहब जरा सा बाथरूम से जल्दी निकलिए, हमें भी करना है राइट, ऐसा कभी बोला उला नहीं है राइट, ना ही कभी बोलेगा भी राइट। तो हम आपसे ये बता रहा हूँ कि उस एक्सेस वाटर को कैसे वो बाहर करेगा, तो इसी ट्रांसपीरेशन के थ्रू, यानी कि पानी को उड़ा देता है, इवेपोरेट कर देता है, ताकि उसका जो वाटर है वो ज्यादा ना हो जाए राइट, और कम भी नहीं होने देगा, क्योंकि कम होगा तो पानी जड़ से खींच लिया जाएगा क्योंकि ट्रांसपीरेशन हो रहा है राइट। तो ये वाटर को मेंटेन करने में हेल्प करता है ट्रांसपीरेशन राइट, तो मेंटेन करने में भी हेल्प किया और एक्सेस वाटर को बाहर निकालने में भी हेल्प किया राइट। तीसरा बता रहा हूँ कि इट ऑल्सो हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन बाई कॉजिंग ए कूलिंग इफेक्ट ड्यू टू इवेपोरेशन ऑफ वाटर थ्रू द एरियल पार्ट्स। देखिए प्लांट्स का जो टेम्परेचर है वो तो नहीं बता रहा हूँ कितना होता है, लेकिन ये बताऊंगा कि प्लांट्स का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करता है कौन, इवेपोरेशन, सॉरी ये ट्रांसपीरेशन। अब प्रश्न उठता है कि कैसे राइट। तो आपने 9th क्लास में पढ़ा है, केमिस्ट्री में पढ़ा है, पहले चैप्टर में पढ़े हो कि कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन, यानी कि इवेपोरेशन के कारण हमारे बॉडी को कूल महसूस होता है, ठंडा फील होता है, ये पढ़े हो राइट। तो उसी द इफेक्ट ऑफ कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन, तो इसी प्रक्रिया के थ्रू, इसी फेनोमेना के थ्रू प्लांट्स का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रखता है, समझ गया ना। और का उसके पास कोई सिस्टम है कि टेम्परेचर मेंटेन करके रखेगा राइट। तो इस चीज को याद रखेगा कि कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन के चलते, ट्रांसपीरेशन के चलते उसका टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है, किसका, प्लांट्स का राइट। इफ यू वॉन्ट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख डालो, है कि नहीं। चलिए लिख लिया, मिटा दें।